फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट मावा। 5 मिनट में बन जाता है। हम दूध का मावा बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे दिया गया बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट मावा। इंस्टेंट मावा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। ये मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है घी क्योंकि मेरे को फुल फैट वाला मिल्क पाउडर नहीं मिला। आप कोशिश करें फुल फैट वाला ही यूज़ करें, उससे अच्छा सा घी वाला टेक्सचर आता है जैसे मार्केट में मिलता है मावा। 1/2 कप मैंने लिया है दूध। तो मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, गैस को मैंने अभी ऑन नहीं किया। आप भी कोशिश करें कि नॉनस्टिक पैन ही लें, नहीं तो ये चिपकेगा अगर नॉर्मल लेंगे तो। और इसमें ये मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे इसमें गांठे ना पड़े। मिक्स कर लेंगे। और डाल देती हूँ दूध। गैस को मैंने ऑफ कर रखा है इस टाइम पे। मैं इसको इसलिए पहले से बिना गैस ऑन किए मिला रही हूँ जिससे इसमें गांठे ना पड़े। दबा दबा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलता है मावा खोया, सेम उसी टेस्ट का बनता है ये। मिल्क पाउडर और दूध को मैंने अच्छे से मिला दिया, गैस ऑन कर दी। बिल्कुल सिम रखना है गैस को, नहीं तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। और यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें दूध नहीं डालना है। मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम दूध बच गया है इसमें, 1/2 कप लिया था मैंने। और अब मैं इसमें ये देसी घी डाल देती हूँ। कंटिन्यू इसको हम मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गया है, ये बिल्कुल मावा जैसा एकदम टेक्सचर आ जाएगा इसका, जैसे मार्केट में मिलता है, हम घर में बनाते हैं दूध का, सेम वैसे ही टेस्ट का बनेगा ये। तो इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू, बस 1 मिनट और चलाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सिम रखा है गैस को, तो आप देख सकते हैं मावा हमारा रेडी हो गया है, एकदम थिक हो गया है। गैस को ऑफ कर देती हूँ मैं और इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल देती हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये ठंडा होने के बाद सेम वैसे ही टेक्सचर में आ जाएगा। आप इससे होली पे, दिवाली पे मिठाइयाँ बनाइए। और मावा को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे ये ठंडा हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है बिना दूध के मावा को घर पे बनाना। ये फटाफट से बन भी जाता है और आप इसे तरह तरह की मिठाइयाँ बना के खा सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।